स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों राज्यपाल की ओर से एक लिफाफा की बात आ रही थी को लेकर उत्तर प्रदेश बुला गया है, उसको लेकर सर आप कैसे देखते हैं क्या? अब हम क्या बोले उस लिफाफा के बारे में, वो तो महामहिम और गवर्नर साहब की बात है। अब लिफाफा तो ऐसा हो गया है जैसे शादी ब्याह में फूफाजी नहीं होते जो रुट जाते हैं, खुलते ही नहीं, उसी टाइप की वाली हालत है। और मुझे लगता है कि इस विषय का, इस आशय पर जवाब या तो महामहिम राज्यपाल दे सकते हैं या तो चुनाव आयोग दे सकते हैं। सर साहिबगंज और पाकुड़ की अर्थव्यवस्था कही जाती है पत्थर व्यवसाय, पिछले दो महीने में पत्थर व्यवसाय 80% बंद ही कर रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यवसायियों का प्रतिष्ठान बंद है, लगातार परेशान किया जा रहा है व्यवसायियों को, तो सर इस पर मिलकर देखता है किनके द्वारा परेशान किया? सेंट्रल एजेंसी के द्वारा भी हो सर, और एनजीटी और जिला प्रशासन की ओर से भी सर कुछ कार्रवाई हो रही है। इस राज्य में पत्थर की व्यवसाय मुझे नहीं लगता है कि 2019 से ही प्रारंभ है, और मुझे लगता है कि मेरे उम्र से भी अधिक हो चुका होगा यहाँ के पत्थर के व्यवसाय। विगत 20 सालों में जो हमारे विपक्ष ने सरकार चलाई, शायद उनका पत्थर बालू व्यवसाय मुख्य धन संग्रह का स्रोत रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है, जो गंदगी इन लोगों ने पूर्व में की है उसी गंदगी की छानबीन एनजीटी, जिला प्रशासन या अभी जो ईडी भी कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, और इसमें मैं यही कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत चीजों को अपनाया जा रहा है, जहां यहां के लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हों और अपने पापों का टिकरा वर्तमान सरकार के मथे पर टिकरा फोड़े।